नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन यूट्यूबर्स के बारे में और गाइस उन एडसेंस अकाउंट के बारे में जो कि डिसेबल हो चुके हैं सिर्फ इनवैलिड एक्टिविटी के कारण। तो गाइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम यूट्यूब पे। और गाइस वो लोग कौन है जो आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल करवाने में हेल्प करते हैं, वो आपके दुश्मन है या दोस्त हैं? और गाइस आप भी ऐसा करते हैं कि अपने व्यूअर्स या अपना जो रिवेन्यू उसे बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, तो गाइस क्या घाटा होता है एक्चुअली? मैं वो डिस्क्राइब करूंगा क्यों आपका एडसेंस अकाउंट इनवैलिड एक्टिविटी में आता है, और गाइस क्यों गूगल्स को, गाइस गूगल या यूट्यूब किसी को भी कोई फायदा नहीं होता, बहुत ज्यादा लॉस होता है। आपकी वीडियो पे ऐड नहीं आएंगे, वो पूरा रिवेन्यू के लिए काम करते हैं, और आपकी मतलब 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ व्यू आ रहे हैं, और अचानक से आपका एडसेंस डिसेबल हो जाए इनवैलिड एक्टिविटी के वजह से। तो गाइस आपको तो कम लॉस होता होगा, बट आपको लगता है यार यूट्यूब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट यूट्यूब को कितना लॉस होता है तो गाइस आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो गाइस आज इसी के पे चर्चा करेंगे, और एक्चुअली क्या है बिहाइंड चीजें, क्यों यूट्यूब इतना हार्ड एक्शन ले रहा है हर किसी के खिलाफ। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को कहना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो में रेगुलर लेके आता रहता हूँ, और गाइस बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजिली वीडियो देख पाएंगे। तो गाइस टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेलिंग के साथ। जैसे ही गाइस बहुत सारे लोगों की लगातार कंप्लेंट आ रही है, सिर्फ एक ही मेरा अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चल रहा था, और डायरेक्टली एडसेंस ने क्या किया, इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से एक मेल करा और डिसेबल कर दिया। बट क्या है कि आप यूट्यूब प्रोग्राम में भी हैं, एड भी चल रहे हैं, बट उसका रिवेन्यू क्या जुड़ेगा और एडसेंस एरर दिखा रहे हैं। तो गाइस एडसेंस की एक बात है, तब एक बार एक्टिव हो जाता है तो कंटिन्यू एड देता रहता है, आपका रिसेंटली किसी वजह से टर्मिनेट हो जाता है चैनल। तो गाइस ऐसा नहीं है कि ऐड आना तुरंत ही बंद होता है, वो एक्सप्लेनेशन मांगता है एडसेंस। यस गाइस, तो वो एक्सप्लेनेशन मांगता है जिसका विथिन 8 डेज या 2 वीक्स के अंदर एडसेंस एरर भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड कंटिन्यू चलते रहेंगे, आपने उसे करेक्टली जवाब दे दिया जो वो चाह रहा है, और आपके जो व्यू अचानक से बढ़े वो कैसे बढ़े, आपने किसी वीपीएन का मतलब वीपीएन डाउनलोड करके उसका आईपी एड्रेस किसी और का डाल के वहां से तो वीडियो अपनी नहीं देख रहे यहीं पे बैठे बैठे? क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे किसी को ऐसी कंपनी को पैसे दे दिए हो आपने कि जिसने बाहर की कंपनी और वो 200-250 वर्चुअल कंप्यूटर रखती है, एक्चुअल तो एक ही दो ही होते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर रखती है, वो आपकी वीडियो एक ही टाइम पे रन कर रही है सब जगह, एक ही आईपी पे रन कर रही है, या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कि आपने अपने होम वाईफाई से वीपीएन सिंगापुर का ले रखा और आप वहां पे वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वहां के पैसे ज्यादा होते हैं, अमेरिका के पैसे ज्यादा होते हैं ऐड के, एज कंपेरिजन बात करूँ तो इंडिया, पाकिस्तान या जो भी नीचे की कंट्री आ रही है जिनके रुपीज में 1 या 2 रुपीज कंटिन्यू चलते हैं, तो वहां पे एड सस्ते मिल जाते हैं। तो गाइस इन इनवैलिड एक्टिविटीज को कंटिन्यू मॉनिटर किया जा रहा है, बाकायदा पहले मैनुअली किया जाता था, फिर सॉफ्टवेयर पे किया गया, अब सॉफ्टवेयर मैनुअली किया गया, अब गाइस सुपर हाइपर सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है स्मार्ट इंटेलिजेंट, जो कि गाइस बहुत रेयर केस में ही आपकी कोई जो अपील है वो सक्सेसफुल होती है, अनदर सभी रिजेक्ट होती है, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और गाइस अब प्रॉब्लम आ जाती है यार, अब उन लोगों का क्या होगा? तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलता हूँ और मैंने देखा, क्योंकि गाइस वो जो 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे है ना, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, यूट्यूब आपसे ज्यादा यूट्यूब परेशान होता है, उन्होंने करोड़ों खरबों रुपए का सर्वर लगा रखा है, खरबों रुपए की वो सैलरी दे रही है लोगों को, और रिजल्ट कि मैं इतने वो तो ये चाहेगी कि आप फर्स्ट वीडियो डालो उस पर ऐड आए वो 0. मतलब 45% वो भी कमाए, आपको 55 देती है, 45% यूट्यूब कमाए, क्यों वो लॉस चाहेगी? तो गाइज वो ये संतुष्टि करना चाहती है बस, इसलिए वो ये टारगेट देती है कि 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे का, कि जो आपकी इनकम है एटलीस्ट 2 या 2,500 रुपए आएंगे मंथली तो आपको अच्छा लगेगा, आप पहले ही वीडियो से ऐड आना, क्योंकि व्यू आ नहीं पाते, ऑलरेडी 2 बिलियंस अकाउंट एक्टिवेट है यूट्यूब पे, तो आप समझ सकते हैं कि वो उनकी वीडियो लेके जाए या आपने अभी चैनल खोला तो आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में कर दे, वो भी प्रॉब्लम की बात होती है कि एकदम आपकी वीडियो इतनी जल्दी ट्रेंडिंग में नहीं लेके आई जा सकती, और लेके आई जा सकती है
तो गाइस वो टैलेंट होता है यूट्यूबर्स के ऊपर, या आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपनी वीडियो, और आपका कितना बड़ा ग्रुप है, और आप कैसे शेयर कर रहे हैं वीडियो को। गाइस मैं अपने चैनल की वीडियो अपने पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पे भी नहीं लगाता, मतलब मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ कोई वीडियो, जो हेल्प करता है वो यूट्यूब करता है। अब दूसरी थिंग आ जाती है, क्या यूट्यूब को मेनली मैंने बता दिया आपको कि मिनिमम बैलेंस आपको अच्छा लगे, और जो अचीवमेंट है वो भी आप कर लें इतनी मेहनत से, मतलब 2 या 3 महीने लग जाते हैं आप जेन्युइन तरीके से करें और किसी की हेल्प ना ले। तो जैसे कि मैंने 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें किसी की हेल्प नहीं की थी, और 3 महीने मैंने कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं की थी, बट लास्ट के तब मेरे 700-800 सब्सक्राइबर पहुंच गए थे। तो मैं फाइनली तौर पे लगा, मैंने कहा हाँ यार एफर्ट लगाना चाहिए, और फाइनली 2-2.5 हज़ार रुपए तो एटलीस्ट आते रहेंगे मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहां पे सक्सेसफुल हुआ, आप ये वीडियो चली होगी तो उस पर ऐड आया होगा, तो दैट मींस कि मेरा यूट्यूब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब आती है एडसेंस की प्रॉब्लम, क्या है एडसेंस गाइस, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है, मैंने यूट्यूब को एडसेंस को पैसे दिए, मतलब एडसेंस डायरेक्टली एड के लिए पैसे नहीं लेता, वो गूगल एड से लेता है। गूगल एड आप एप्लीकेशन यूज करते होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं अब डिस्क्राइब करता हूँ गाइस। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए 500 रुपए खर्च किए, तो वो एस्टिमेट दिखा देता है कि आपके जो वीडियो के व्यू आएंगे, मैंने 2 हज़ार रुपये या 500 रुपये खर्च किए, 500 रुपये का लेते हैं वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, 500 रुपये खर्च किए तो उसने दिखाया है कि आपके जो व्यू आएंगे 1,800 से, मतलब 1,800 से लेके 2,500 तक व्यू आएंगे इसमें, मतलब एक्सपेक्टेशन। वो बजट भी बता देता है कि आपका 50 से, मतलब 85 से लेकर 95 तक यूज होगा बजट, आपकी जो जो पर एड कॉस्ट है वो 0.13 पैसे से लेके 25 पैसे तक जाएगी, जो भी आप सेट करते हैं अपना बिट। और ये अब गाइस प्रॉब्लम क्या होती है, वो एड का जो पैसा है, मेरा एक एड का पैसा जो होगा वो 13 पैसे या 8 पैसे रुपए बैठेगा, उसका 55% आपको मिलेगा, या 55% किसी, मतलब जिसकी वीडियो पे एड आएगा, मैं जिसका भी एड चलाता हूँ, तो या आप ओवरलैप एड का एक बहुत ही एक मतलब जंगल सा वो है, आप उसमें घिसते जाएंगे तो जितना ही अंदर जाएंगे उतना ही बड़ा होता रहेगा। किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे डिटेल में, और चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको इस ऐड की फुल वीडियो में बता पाऊंगा। और गाइस जैसे कि मैंने दिए और मुझे 2,500 व्यू मिल रहे हैं, अब गाइस प्रॉब्लम यह है कि वो 2,500 व्यू क्या जेन्युइन लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब ये काम करता है एडसेंस कि वो व्यू क्या देखे जा रहे हैं आप, और उसमें आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बार और आऊंगा एडसेंस पे, कि आप एक व्यूअर को एक टाइम दिखाना चाह रहे हैं वो एड, आप रिपीट नहीं करना चाह रहे। अब आते हैं दोबारा एडसेंस पे। एडसेंस का जो वर्क करता है वो इजीली बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि जो वीडियो पे ऐड आया आपकी कौन सी आया, और आपकी जो वीडियो पे ऐड आया वो, ये तो नहीं है कि बार बार आप ऐसा तो नहीं कर रहे, मतलब मैं यूट्यूबर हूं तो एडसेंस मेरे पे निगाह रख रहा है कि ये बंदा ऐसा तो नहीं कर रहा क्या अपनी डिवाइसों पर वो वीडियो देखता जा रहा है अपनी, या किसी और को, मतलब रेगुलर आईपी पे भी वीडियो चल रही है तो वो भी प्रॉब्लम की बात है, या आपके पास बल्क में इतने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से 2% या 5% लोग रिकवरी कर रहे हैं, मतलब एक ही मोबाइल पे दोबारा दोबारा आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके सब्सक्राइबर 1-2 हज़ार हैं, और आप गाइस कंटिन्यू जो वीडियो है वो 20 या 25 या 100-150 डिवाइसों पे कंटिन्यू रिपीट होती जा रही है, और आईपी एड्रेस भी सेम है। आईपी एड्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डिवाइस एड्रेस, जो कि डिवाइस नंबर होता है, वो तक का रिकॉर्ड करके रखता है एडसेंस, सब परमिशन आपसे पहले ले लेते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब इंस्टॉल है, मतलब आपके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब के पास पहुंचती है। यूट्यूब एनालिसिस बहुत बड़ा एक जाल है, जो कि गाइस हर आपकी एक एक एक्टिविटी को रखता है सिक्योर करके। अब क्या करा, बहुत सारे यूट्यूबर जो आए उन्होंने कहा कम टाइम में कैसे पैसा कमाए, तो क्या करते हैं कि अपना जो एडसेंस अकाउंट है, वो यूट्यूब अकाउंट है, उस पर 5-6 वीडियो डाले और उसे कर देते हैं अलग अलग सर्वरों पर, अलग अलग वीपीएन एड्रेस लेके, और महंगी महंगी कंट्री के सर्वर यूज करते हैं, और डायरेक्टली अपनी, क्योंकि गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी आप वीपीएन कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी नहीं आपको खरीदने की भी जरूरत है। तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब रिसेंटली 45,000 जो एडसेंस अकाउंट थे जो एक्टिव यूट्यूबर्स थे उनके डिसेबल किए गए हैं, और रेगुलर बेसिस पे 1,300-1,400 एडसेंस अकाउंट रेगुलर डिसेबल हो रहे हैं। आप गलती से भी ऐसा ना करें, आप यूट्यूबर हैं तो आप कभी अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए किसी को दे दें, और वो क्या करे वीपीएन का यूज करके आपकी वीडियो को गलत तरीके से यूज करे, और आप पैसा तो अच्छा कमा लेते हैं बट वो ना आप पैसा कभी निकाल पाएंगे, ना वो एडसेंस में कभी पहुंच पाएगा।
क्योंकि मैंने तब पैसे दिए थे उस अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो पैसे में ऐसा कोई है कि वो उनने मतलब किसी ने देखी नहीं वीडियो, वो तो ऑनलाइन सर्वर पे चलती रही और मेरे घंटे पूरे हो गए या मेरे व्यू पूरे हो गए 2,500, मगर उसके पे मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो ऐड के पैसे दिए थे। किसी और की वीडियो पे जो ऐड आया वो तो मेरे पैसों का चल रहा था, मगर मुझे तो उसका प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लोगों तक को नहीं पहुंची, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखने जिसने ऐसी तिकड़मबाजी की अपने यूट्यूब चैनल पे, वो या एडसेंस या गूगल या यूट्यूब। तो गाइस बहुत सारी चीजें बिखर गई थी, तो एडसेंस इसलिए बहुत ही मतलब गूगल जो है मेन प्रोडक्ट है, ये सब एक ब्रांचेस हो गई, यूट्यूब हो गई, एडसेंस हो गई, एडवर्ब हो गई, एडवर्ड्स हो गई। तो गाइस इस तरीके से पूरा झोल झाल चल रहा था बहुत गंदी तरीके से। अब मेनली एक्शन लिया गया है इन चीजों पे कि ऐसे भी यूट्यूब पे पैसा कमाए जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो एडसेंस आपका एडसेंस अकाउंट किसी भी टाइम किसी भी वक्त डिसेबल कर देगा। और बहुत ज्यादा लोग खुश भी रहते हैं, यार एडसेंस हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे ऐड तो चल ही रहा है। तो गाइस एडसेंस विद इन अ 2 वीक्स या 1 वीक्स का टाइम देता है कि आप अपना जो एडसेंस अकाउंट है वो रिकवर कर पाए, और आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं कि आप एक ही आईपी पे सब कुछ कर रहे हैं। तो आईपी तो छोड़िए गाइस, आप एक डिवाइस पे भी बार बार देख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कंसिडरेबल होती है चीजें, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। तो गाइस आपका आईपी या आप कंटिन्यू बाहर ही आपकी विजिट हो रही है, क्योंकि वो आपको शायद ये नहीं मालूम है, या वैसे बहुत सारे लोगों को मालूम भी होता है कि आपका जो गूगल मोबाइल होता है वो ट्रैकिंग करता है आपकी 24 आवर्स। तो गाइस वो आपकी ट्रैकिंग पे भी फोकस करेगा कि हाँ यार ये डिवाइस एक जगह फिक्स ही है बहुत टाइम से, और लगातार एक चैनल की ही वीडियो देखी जा रही है। तो गाइस क्योंकि सर्वर आप किसी का वीपीएन यूज कर रहे, तो एक पार्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है और एक पार्टिकुलर जगह से ही मूवमेंट कर रहा है चीजों का, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कभी आप ऐसी गलत फहमी में रहेंगे मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी, और इस चीज का ध्यान रखिए। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।